Yes, in the last lecture we have discussed about the seven general principles for charging tax on profit on business and professions. Now today we have discussed remaining general principles of charging tax on the profit of business or professions. और साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. ओके, तो तुम्हारा सात हमने डिस्कस कर लिए. आठवां जो टॉपिक है वो है सिंगल ट्रांजैक्शन, यानी कि इसका मींस क्या होता है. सिंगल ट्रांजैक्शन मींस मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन एक बार ही होने चाहिए. ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि दो बार हर एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि हम डेबिट क्रेडिट करते हैं. सही बातें करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को दो बार डिडक्ट कर रहे हैं या फिर तीन चार बार. यानी कि एक एक्सपेंसेस एक बार ही डिडक्ट हो सकता है, यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शंस में ही हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन करेंगे. यानी कि एक बार अगर किसी आइटम्स को डेबिट किया है तो फिर वापस से डेबिट नहीं करेंगे. अब वो क्या उसका तुम्हारा क्रेडिट जरूर हो सकता है बट डेबिट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, हमने कहा सिंगल ट्रांजेक्शन, यानी कि एक बार अगर कोई आइटम डेबिट हो जाता है, कोई आइटम डेबिट होता है तो उसे फिर से डेबिट नहीं किया जाएगा, एक सिंगल बार ही डेबिट किया जाएगा, यानी कि एक एंट्री का एक बार ही इफेक्ट होगा. ओके, डबल इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट डाला बट एक अकाउंट का एक बार ही इफेक्ट डालना है. ओके, अब क्या हो गया, लॉस और डिडक्शन अलाउड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इफ एन एसएससी रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अब देखो लास्ट तुम्हारा नाइन्थ जो है लॉस एंड डिडक्शन अलाउड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर. इसका मीन्स क्या होगा कि ओनली प्रीवियस ईयर प्रायर टू प्रीवियस ईयर तक के लॉस और डिडक्शन अलाउ किए जाएंगे. यानी कि तुम ये हमने जो कहा था ना, पिछली बार पढ़ा था हमने, एक बार डिस्कस किया था कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉसेस को हम चार साल तक आगे ले सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर की इनकम में से उन्हें सेट ऑफ कर सकते हैं. तो यानी कि ये एक्सप्लेन नहीं कहती है कि तुम क्या करना, अपने जो लॉसेस है या फिर जो डिडक्शन है उनको तुम्हें अलाउ कर सकते हो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम से. ओके, कंप्लीट. ये तुम्हारा क्या हो गया, पूरा आठ जनरल प्रिंसिपल से जिनके बारे में डिस्कस किया था. सेवन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आज हमने दो जनरल प्रिंसिपल्स को और डिस्कस किया है और साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले इन जनरल प्रिंसिपल्स के बेस पर. ओके, तो यानी कि अब मैं तुम्हें क्वेश्चन जो तुम्हारे ग्रुप में सेंड कर दिया गया है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उसी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे कि क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, क्या कहता है. तो यहाँ देखो, फर्स्ट तुम्हें यहाँ पर जो अपन ने पहला प्रिंसिपल पढ़ा है सबको याद रखना होगा कि प्रिंसिपल क्या कहते हैं. अब देखो क्वेश्चन तुम्हारा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय मिस्टर दीपक गुप्ता फाइंड आउट हिज इन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-18. ओके, तुम्हें निकालनी है टैक्सेबल इनकम, तो हम कहेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ मिस्टर दीपक गुप्ता. ये तुम्हारा हो गया पर्टिकुलर और ये तुम्हारी होगी अमाउंट. ओके, कंप्लीट यहां तक. अब तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट इसने कहा है, फर्स्ट इनकम का दिया हुआ है इसमें. देखो मिस्टर दीपक वॉज डूइंग बिजनेस ऑफ फूड ग्रेन्स
फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही सस्टेन्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 150,000 एंड डिसकंटिन्यूड दिस बिजनेस फ्रॉम 1st October 2017। यानी कि मिस्टर दीपक जो फुटग्रेन्स का बिजनेस करता था उसमें उसे लास्ट प्रीवियस ईयर में 150,000 का लॉस हुआ और उसने उस बिजनेस को 1 अक्टूबर 2017 को बंद कर दिया है। देखो मैंने तुम्हें लास्ट पॉइंट बताया था कि बिजनेस के लॉसेस को और उसके डिडक्शंस को हमें अलाउ करना है प्रीवियस ईयर तक के। तो यानी कि ये जो लॉसेस है ये तुम्हारा बिजनेस का लॉस है तो हमें यहाँ पर अलाउ करना होगा इसको, तो ये भी तुम्हारे क्या होगा इनकम में जुड़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ फूड ग्रेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ फूड ग्रेन कितना, फूड ग्रेन से हमें बिजनेस हुआ है 1,50,000 का हमारा क्या है लॉस है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके अगला तुम्हारे पास सेकंड लाइन है, सेकंड इनकम की सोर्स दी हुई है ही वाज आल्सो डूइंग स्पेकुलेटिव स्पेकुलेशन बिजनेस। यानी कि वो क्या करता है स्पेकुलेशन आकस्मिक आय का बिजनेस भी करता है। आकस्मिक आय के लिए वो क्या करता है तुम्हारे लॉटरी टिकट खरीदता है या फिर कुछ और ऐसे काम करता हुआ जिससे उसको स्पेकुलेशन इनकम हो। ही लॉस्ट ₹60,000 इन द बिजनेस ऑफ स्पेकुलेशन इन शेयर्स। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि स्पेकुलेशन के लॉसेस को ओनली स्पेकुलेशन की इनकम के साथ ही सेट ऑफ किया जाएगा। ओके तो यानी कि यहां पर क्या हो रहा है स्पेकुलेशन की लॉस गिवन है बट अब देखते हैं क्या लिखा हुआ बट ही अर्न ₹2 lakh इन द क्रिकेट स्पेक्यूलेशन। यहां देखो क्या लिखा है क्रिकेट स्पेक्यूलेशन। अब ये समझ रहा हूं कि मैंने तो बताया था कि अगर कोई पर्सन क्रिकेट पर या किसी गेम पर जुआ खेलता है तो उसे हम स्पेक्यूलेशन इनकम नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे गैम्बलिंग इनकम है। क्या है गैम्बलिंग है यानी जो क्या कर रहा है जुआ खेल रहा है सट्टा खेल रहा है उससे इनकम हुई है। तो इस कंडीशन में गैम्बलिंग इनकम को बिजनेस एंड प्रोफेशंस की इनकम में ऐड नहीं किया जाता है। इसके लिए तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो तुम्हारा इनकम का लास्ट हेड है जो इनकम के लास्ट हेड में ऐड होती है यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस में ओनली बिजनेस की इनकम या स्पेकुलेशन बिजनेस से कोई इनकम होती है तो उसी को ऐड किया जाता है। बट हमारे पास भी ये क्या हुई गैम्बलिंग इनकम है तो ₹2 lakh की जो क्रिकेट स्पेकुलेशन की इनकम है वो इसकी क्या हुई गैम्बलिंग इनकम है और गैम्बलिंग इनकम को हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में ऐड नहीं करते। इसे किसमें करते हैं इसे हम ऐड करेंगे किसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो यहाँ पर तुम्हारे को जो लॉस हुआ है स्पेकुलेशन से तो यहाँ पर तुम्हें लिखना होगा कि लॉस इन शेयर स्पेकुलेशन और स्पेकुलेशन के लॉस को हम यहाँ सेट ऑफ नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या स्पेकुलेशन अगर कोई स्पेकुलेशन से इनकम है क्या, अगर है तो फिर हम उससे उसको सेट ऑफ करेंगे अदरवाइज हम इसे यहाँ पर डैश लिखेंगे। ओके देखते हैं क्वेश्चन क्या है। In the month of November, he started business of groundnut oil in the name of his wife and doing the previous year earned ₹1,80,000 from this business. यानी कहता है कि मैंने groundnut का business oil का business start किया है previous year अपनी wife के नाम से और उस पर मुझे 1,80,000 रुपए का profit हुआ है। तो ये तुम्हारी क्या हो गया business हो गया। तो यानी कि हम लिखेंगे profit on the business of profit from business of ground nut oil कितना हुआ ग्राउंड नट ऑयल से तुम्हें प्रॉफिट हुआ है कितना 1,80,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ पर कर देंगे। ओके
नेक्स्ट तुम्हारे पास में थर्ड इनकम दी हुई है, ही इज डूइंग अ बिजनेस ऑफ ऑयल ऑफ इन हीज ऑन परमिसेस, यानी कि वो क्या करता है, जो बिजनेस ऑयल का बिजनेस है वो अपनी खुद की परमिसेस में करता है, खुद के निवास कह सकते हैं, खुद के प्लेस पर करता है। फ्रॉम 1st December 2017 ही लेट आउट 1/4 पोर्शन ऑफ हीज परमिसेस, यानी कि वो कहता है कि मैं अपने अपनी जो परमिसेस है उसका उपयोग ऑयल के बिजनेस के लिए करता हूँ और इस परमिसेस का 1/4 मैंने किराए पर दिया है, देखते हैं किसको, लेट आउट टू हिज एम्प्लॉय ऑफ ऑयल बिजनेस, यानी कि मैंने क्या कर दिया, अपने एम्प्लॉय जो ऑयल बिजनेस का एम्प्लॉय था, जो मेरा कर्मचारी, उसी को मैंने रहने के लिए 1/4 पार्ट किराए पर दिया है एट अ रेंट ऑफ ₹1500 पर मंथ, यानी ₹1500 उससे रेंट के रिसीव कर रहा हूँ। लिविंग ऑफ द एम्प्लॉय इन द बिजनेस परमिसेस इज वेरी यूजफुल फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि अगर मैं अपने एम्प्लॉय को अपने बिजनेस परमिसेस पर रखता हूँ तो उससे मेरा बिजनेस क्या हो रहा है, स्मूथली चल रहा है, यानी कि इजीली रन कर रहा है और उस पर मुझे क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है। तो मैंने तुम्हें एक बात कही थी और नहीं पता है तुम यहाँ पर लिख देना स्टार लगाकर नीचे कि अगर किसी बिजनेस परमिसेस पर, यानी कि किसी बिजनेस परमिसेस पर तुम वह उस परमिसेस का कुछ पार्ट अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए देते हो और वो एम्प्लॉय उस बिजनेस से रिलेटेड है तो वो जो इनकम हो रही है रेंट से वो तुम्हारी बिजनेस की इनकम कहलाएगी, न कि तुम्हारी हाउस रेंट की इनकम। ओके, समझना कि अगर तुम किसी परमिस बिजनेस परमिसेस को किराए पर देते हो अपने एम्प्लॉय को और वो एम्प्लॉय बिजनेस के लिए जरूरी है जिसे हमने किराए पर दिया है और उस इनकम उस किराए की जो इनकम है वो तुम्हारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक टैक्सेबल ना होगा कि कहाँ होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस के हेड में टैक्सेबल होगी। तो यानी कि तुम्हें यहाँ पर लिखना होगा इनकम फ्रॉम लेट आउट बिजनेस परमिसेस, समझ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बिजनेस परमिसेस को किराए पर दे रहा हूँ किसको, अपने एम्प्लॉय को जो मेरे बिजनेस के लिए क्या है, जरूरी है। तो यानी कि मुझे क्या मिलेगा, ये जो इनकम जो मेरे को रेंट से रिसीव हुई है वो इसके लिए मेरे बिजनेस के लिए क्या मिलेगी, बिजनेस की इनकम काउंट होगी और बिजनेस में टैक्सेबल होगी, उससे ₹1500 ले रहा हूँ। अब मैंने उसको कब दिया, देखो ये कहता है कि फ्रॉम 1st December, यानी कि 1 दिसंबर 2017 से, यानी कि तुमने यहाँ पर 1st December टू 31st March तक का कितना किराया होता है, दिसंबर से 4 मंथ का, यानी कि 1500 × 4 यानी कि 6000 रुपये तुम्हारी क्या होगी, रेंट से इनकम हुई है बिजनेस को। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, अगली 5th इनकम क्या लिखा है, 4th इनकम यहाँ पर लिखी है अपन ने। अब 5th इनकम डिस्कस करते हैं, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही ऑल्सो अर्न ₹260,000 फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ सन सम ग्लैंगिंग गोल्ड टू सर्टेन फॉरेन कंट्रीज। अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अनलीगल वर्क कर रहा है, इनलीगल वर्क है, इनलीगल वर्क जो कर रहा है वो इस पे अगर उससे किसी टाइप की कोई भी इनकम होती है तो वो उस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस के अंदर टैक्सेबल होगी, बट अगर गैम्बलिंग तुम्हारी है तो वो कहाँ जाएगी, अदर सोर्स में जाएगी, और अगर तुम्हारी स्पेकुलेशन से तो वो भी कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस में। तो यानी कि इनलीगल इनकम से, इनलीगल बिजनेस से किसी टाइप की कोई भी इनकम होती है तो वो तुम्हारे लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी कि मैं लिख सकता हूँ इनलीगल इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कि अनलीगल बिजनेस से मुझे अगर इनकम होती है वो
वो तुम्हारे पास मिनिमम है 2,60,000। ओके कंप्लीट। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास में अगला दिया हुआ है सिक्स्थ पॉइंट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही डिसाइड टू सेट अप अ मेडिकल एजेंसी बिजनेस, फॉर दिस पर्पस ही टुक एन ऑफिस ऑन रेंट एंड गिव एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स, टू टोटल एक्सपेंडिचर्स अमाउंटेड टू ₹50,000, बट द बिजनेस कुड नॉट बी स्टार्टेड टिल 31st March 2018। ही वॉन्ट्स टू एडजस्ट द एक्सपेंसेस ऑफ दिस बिजनेस अगेंस्ट अदर बिजनेस इनकम। यानी कि मिस्टर दीपक ने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया मेडिकल मेडिसिन के रिलेटेड, अब उसने उसको सेटअप करने के लिए या फिर उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उस बिजनेस की न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के लिए उसने ₹50,000 पे कर दिए हैं, और अभी तक 31 मार्च 2017 तक उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है, और वो कहता है कि मुझे वो जो खर्चे हुए उसका डिडक्शन मुझे इन इनकम में से मिलना चाहिए, जो मेरे अदर बिजनेस चल रहे हैं उनकी इनकम में से इस बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जो सेटअप एक्सपेंसेस है, सेट जो मैंने एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, उनका मुझे क्या मिलना चाहिए, डिडक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो, कमेंसमेंट के बिफोर जो भी तुम एक्सपेंसेस करते हो, कमेंसमेंट मीन्स की बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के जो भी एक्सपेंसेस है उनका तुम्हें अदर बिजनेस की इनकम से डिडक्शन नहीं ले सकते हो, उनके लिए तुम्हें उस इनकम में से तुम्हें क्या करना होगा, डिडक्शन लेना होगा। जिस बिजनेस की तुम सेटअप करने के लिए, जिस बिजनेस को सेटअप के लिए तुम एक्सपेंसेस कर रहे हो, उसी बिजनेस की इनकम से इस एक्सपेंसेस को तुम मीट आउट कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि तुमने बिजनेस किसी और का सेटअप बिजनेस सेटअप किया है, उसको रनिंग नहीं किया, और अदर बिजनेस की इनकम से उस बिजनेस के एक्सपेंसेस को सेटअप करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इस बिजनेस जिस बिजनेस को तुम सेटअप कर रहे हो उसी बिजनेस की इनकम में से उस इन एक्सपेंसेस को तुम सेटअप कर पाओगे। तो यानी कि तुम्हें यहाँ पर लिखना होगा कि तुम्हें यहाँ पर इसकी कोई सेटअप नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर तुम्हारे को जो लॉस इन शेयर्स स्पेकुलेशंस में था, वो अभी तक किसी टाइप की कोई स्पेकुलेशन से इनकम नहीं है। तो इसका मीन जो तुम्हारे को स्पेकुलेशन से 60,000 का लॉस हुआ था शेयर्स में, उसे तुम्हें 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे ले जा सकते हो। ओके, तो यानी कि तुम यहाँ पर नीचे लिख देना कि स्पेकुलेशन लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड ऑन फॉर ईयर्स। ओके, ये तुम्हारी क्या हो गई टोटल, अब तुम्हारे पास में सारे इनकम कंप्लीट हो गई मिस्टर दीपक की। तो यहाँ तुम क्या करो, इन सब की टोटल कर लो और माइनस की जो 1.5 लाख रुपए का लॉस है उसे लेस कर देना, तो तुम्हारे पास क्या रहेगी, टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कितना टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तुम्हारा है 2,96,000। ये तुम्हारा क्या हो गया, टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया। ओके कंप्लीट, यहाँ तक ये अपने डिस्कस कर लिया है हमने, हमारा जो सेकंड टॉपिक था जनरल प्रिंसिपल्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। कल हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन रिलेटिंग टू डिटरमाइनिंग डिटरमिनेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जिनकी हेल्प से हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की कैलकुलेशन करेंगे। ओके कंप्लीट यहाँ तक, थैंक यू।